जो मुजरे जैसा आप ही की पार्टी के केएल शर्मा जी जो बिगेस्ट अपसेटर माने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है, ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते हैं, अभी तो काउंटिंग चल रही है, वैसे तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया, जो उसमें मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया, तो ये क्योंकि अभी काउंटिंग हो रही है तो मैं अभी जीत नहीं पाऊंगा उसको, तो लेकिन ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। सुबह से जब से काउंटिंग चालू हुई है एक भी राउंड में आप पीछे नहीं हुए, 1 लाख के ऊपर मत मिले हैं। केंद्रीय मंत्री केएल शर्मा को भी आप सुन रहे थे, ये अमेठी की जनता की जीत है और फर्स्ट डे से जब केएल शर्मा का नाम सामने आया तो बीच में ये भी लगा कि क्या बेहतर ये नहीं होता कि गांधी परिवार से कोई चेहरा सामने आता, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से कहा गया कि इसको अलग मत समझिएगा, इसको भी उसके साथ देखिएगा। और एक फायदा भी गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को अमेठी में कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर सर्वेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कल मीटिंग छोड़ दिया तो आज छोड़ दो। देखिए, अमेठी की जनता ने इस बार अहंकार को हराया है। अमेठी की जनता ने इस बार वो 13 रुपए किलो चीनी का जो झूठा वादा किया गया था उसके खिलाफ वोट किया है। उस सिलेंडर के लिए वोट किया है जो 415 का हुआ करता था और आज उस पर लोग खरीद रहे हैं कि 1100 और 1200 में भी खरीदा। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस महंगे राशन का क्या, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि अब की बार महंगाई कोई नाराजगी अब नहीं है, क्या कह रही है ईवीएम से तो कोई नाराजगी अब नहीं होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ईवीएम में जो भी नाराजगी है उसको लगातार हमने उठाया, और ऐसा नहीं है जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां। उत्तर प्रदेश में एक दीवार भी टूटी वो भी दिखाया गया, और हर चीज जो भी अलोकतांत्रिक होगी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। अब सर्वेश जी, मैं आपके पास, मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग की भूमिका है वो यही है, और चुनाव आयोग को विपक्ष को संतुष्ट करना ही उसका काम है। ठीक है प्रियंका जी, सर्वेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो बीजेपी दक्षिण भारत में मजबूत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी ने लीड ली, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्य बिहार, यूपी, हरियाणा, इवन आप अगर पंजाब को देखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान, अगर वहां पर कई जगहों पर बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ तो इसके पीछे का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान में बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है, मध्य प्रदेश तो पूरे के पूरे दे रहा है, छत्तीसगढ़ में भी जो पिछली बार की स्थिति थी वही स्थिति बनी है। जो मेन डेंट हुआ है वो यूपी से हुआ है बीजेपी का हिंदी पट्टी में। और रही बात कि ये डेंट का जो कारण है वो कहीं ना कहीं सचमुच अब तो ये लगने लगा है कि बीजेपी को जो कुछ योजनाएं थे या बेरोजगारी की बातें थी या पेपर लीक की बातें हैं जो युवाओं का है, वो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस वो बेहतर समझाने में सफल हो गई। यहाँ पे अब बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 3 सालों के बाद यूपी का चुनाव है, और उसके बाद अगले साल आप देखिए तो बिहार का भी चुनाव आ जाएगा और दिल्ली का फरवरी में चुनाव होगा। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चाहे इंडी अलायंस दावे कर रही है, लेकिन इंडी अलायंस वो कंफर्टेबल उस मेजोरिटी में नहीं है। 272 के आंकड़े, मतलब 260, 65, 70 तक भी अगर वो पहुंचे होते तो हम कह सकते थे कि हाँ बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट है या एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन उसके बावजूद अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए को क्लियर मैंडेट मिल रहा है। और अभी आप देखिए 3 बजे से ज़्यादा हो गया, कमोबेश जो जहाँ पे मार्जिन कम है उस वाले सीट में अब उलटफेर हो सकता है, बाकी के जो जहाँ पे लीड कर रहे हैं वो संभावतः वही रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए इंडी अलायंस सरकार बनाता है, बार बार कहा जा रहा है, हमने अमेठी का अभी दिखाया, ठीक है, 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी जीती थी, आज 1 लाख वोटों से वो केएल शर्मा जीत के गए। यहाँ पे दिखाता है कि आप अगर जीत के गए हैं, चाहे आप कितना बड़ा फेस क्यों ना हो, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा अगर आपने कुछ वादे किए, क्योंकि वो पहले वाला चुनाव जो अलग हो चुका है कि जनता से आपने वादे कर दिए, 5 साल बाद गए, शकल दिखाया और वो जनता आपको वोट दे देगी, अब वो नहीं रह गया है। इस मिथ को आप बीजेपी को भी समझना पड़ेगा, बीजेपी ने बहुत काम किए, जितना डेवलपमेंट का काम इन 10 सालों में हुआ है मैं नहीं मानता कि उससे पहले हुआ होगा। लेकिन जो बीजेपी कम्युनिकेटर जो है ना, बहुत ही वर्स्ट कम्युनिकेटर है, अगर ये अपने डेवलपमेंट के मुद्दे को जनता के बीच में नहीं भुना पाए तो
तो ये बहुत बड़ा जो है डेंट है बीजेपी के लिए। क्या क्या इसमें पाठक जी आप ये भी देख रहे हैं कि लोकल इश्यूज का भी एक तरह से हायरार्की रही है, उसका भी असर देखा गया बजाय कि राष्ट्रीय मुद्दे, कई जगहों पर ये देखा गया, और उसके साथ ही लोकल सांसद ने कैसा काम किया है, लोकल कैंडिडेट कैसा मिला है, ये भी था बजाय कि सिर्फ मोदी के नाम पर जो वोट पड़ने का ट्रेंड था। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए बीजेपी ने उसके कारण भी बहुत सीटें चेंज की, कहीं पे उलटफेर भी हुआ, कुछ इंडिपेंडेंट जो इनके पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो जाके बाहर निकले तो वो जीत भी रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी 303 एमपी लेके आती है, इसका मतलब है कि उन 303 एमपी को, 2019 की बात कर रहा हूँ, उनको जाके अपने क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया है इस वक्त की बड़ी जानकारी। फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए चिराग पासवान और फर्स्ट डे